नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जैविक वाटिका में। और आजकल का जो माहौल हो गया है उसमें तरह तरह की बीमारियां हो गई हैं। उनके कारण है कि बहुत सारा पेस्टिसाइड्स का यूज आजकल खेती में होने लगा है। जितनी भी साग सब्जियां उगाई जाती हैं वो सारी की सारी केमिकल का प्रयोग करके उगाई जा रही हैं, जो बहुत ही हानिकारक है और हमारे शरीर में दुष्प्रभाव अलग अलग तरह से होता है। कई तरह की बीमारियां आजकल हो गई हैं, उनमें सबसे ज़्यादा हो गई है आपका बीपी, हाइपरटेंशन, कैंसर, और आपका जो हार्ट है, किडनी है, लीवर है, ये सारे इफेक्टिव बहुत ज़्यादा तरीके से हो रहे हैं। तरह तरह की ये बीमारियाँ आजकल हो गई हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, फैट आपका बढ़ गया है, स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, शुगर की प्रॉब्लम आ गई है, फैटी लीवर हो गया है। तो ये सारी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। तो आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और बिल्कुल ये समझ लो कि उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब उसका अगर कोई भी चाहे तो उसको यूज़ कर सकता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बहुत इफ़ेक्टिव है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो ये सामने आप देख भी रहे होंगे, ये देखिए, इसको वीट ग्रास बोलते हैं। ये आपने खेतों में देखा भी होगा, जो गांव से बिलोंग करते हैं, जो गेहूं होते हैं ये वही है, और इसको गेहूं की घास बोलते हैं या वीट ग्रास बोलते हैं, एक ही चीज़ है ये। इसको उगाना और उगाकर इसका जब ये 8-10 इंच का हो जाए, उसका सेवन करना बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। ये समझिए कि ये लगभग लगभग आपका जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जैसे हमारी बॉडी को 115 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं बिल्कुल ठीक रखने के लिए, उसमें से गेहूं के ज्वार में 95 मौजूद रहते हैं। जी हाँ, 95। तो कितना इफ़ेक्टिव है ये, कितना कारगर है ये, सब आप जानते ही हैं, आपको पता लग गया होगा अब कि इतने सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। और ये लगभग 350 जो रोग हैं उनमें ये काम करता है, इतना इसकी ताकत है। ये होता क्या है, ये जो गेहूँ होते हैं, गेहूं को एक दो रात भिगो के पानी में, उसके बाद उनको बाहर निकाल के एक कपड़े में बांध के एक दिन के लिए रख दिया जाता है। उसके बाद इसको आप उगा सकते हैं। चाहे तो देखिए, इस तरह से ये मैंने पानी में उगाया था, नीचे एक प्लास्टिक का पोट रखा हुआ है, ये कोई भी खाली बर्तन रख लें, उसमें पानी डाल दें, और ऊपर से ऐसा एक दूसरा पोट लेकर उसमें गेहूँ भिगे हुए जो हमने एक दिन के रखे थे उनको डालने के बाद नीचे पानी भर दें, और इस तरह से ये आपका उग जाएगा। ये लगभग 8 दिन का या 10 दिन का प्रोसेस रहता है, 8 से 10 दिन। और आप इसकी ग्रोथ देखिए, इसकी जो रूट्स हैं वो कितनी बेहतरीन, कितनी वाइट, बिल्कुल ये सारी, इस तरह से ये उग जाएगा। सबसे बेहतर तो इस तरह से उगाया हुआ माना जाता है। अगर आप इस तरह से नहीं उगा सकते तो फिर आप एक और तरीका है, ये मेरे पास ये जो भूसी होती है इसको राइस हस्क बोलते हैं। ये देखिए राइस हस्क है, इसमें भी आप इसको उगा सकते हैं। राइस हस्क में आप जैसे नॉर्मली गेहूं को डाल दीजिए और उसके ऊपर थोड़ा राइस हस्क डाल दीजिए, फिर उसमें पानी का छिड़काव करते रहिए, ये भी उग जाएगा। ऐसे भी नहीं कर सकते तो आप मिट्टी में उगा लीजिए, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ये इस तरह से रहता है, पानी में उगा हुआ, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद मिट्टी वाला। ये दो तरह का होता है, एक तो अपना गेहूं का होता है, एक ज्वारे का होता है। तो ज्वारे का भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, कुछ लोग गेहूं का करते हैं, वैसे ज़्यादा गेहूं का ही होता है, वीट ग्रास इसी को बोला। जिस तरह से आपने देखा होगा कि जो हम हमारे यहाँ नवरात्रे होते हैं उसमें भी हम माता रानी के नवरात्रों में ये गेहूं उगाते हैं, ज्वारे, वैसे तो उसमें ज्वारे उगाए जाते हैं, तो वो भी इसी तरह से होता है। तो आप सब तो जानते ही हैं इनको उगाना, और अब इनकी बात कर लेते हैं कि किस किस काम में आते हैं। मैंने अभी बताया ये जितने भी
आजकल बीमारियां हैं, हाई बीपी है, कोलेस्ट्रॉल, फैट, स्किन की प्रॉब्लम, या फिर शुगर हो गया, या लीवर की प्रॉब्लम हो गई, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है ये डिटॉक्सीफायर है, मतलब ये डिटॉक्स करता है आपकी बॉडी से जितने भी गंदे विषैले पदार्थ हैं उनको बाहर करता है। ये सबसे बड़ा डिटॉक्सीफायर का नाम इसको दिया गया है, वीट ग्रास को, तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, इसमें जो है वो कैल्शियम हो गया, या फिर मैग्नीशियम हो गया, या फिर क्लोरोफिल बोलते हैं, जैसे ग्रीन कलर आप देख रहे हैं, ये क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण ही होता है। जो मेरे भाई बहन गार्डनिंग करते हैं वो जानते हैं क्लोरोफिल को, हरा रंग चूंकि इसका है तो इसलिए क्लोरोफिल इसमें ज़्यादा होता है, खून बढ़ाने के काम होता है। एक तरह से ये बोला जाता है कि ये ग्रीन ब्लड होता है, जो इसका जूस होता है वो ग्रीन ब्लड इसको बोला जाता है। इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा है, अगर आपको विटामिन सी चाहिए तो ये बहुत अच्छी है। इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, अगर आपको नेचुरल प्रोटीन चाहिए आपको तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है प्रोटीन का भी सोर्स। दूसरा, जो आजकल एसिडिटी की समस्या ज़्यादा है उसमें भी ये बहुत ही क्योर करता है एसिडिटी को, और बहुत ही अच्छा रहता है एसिडिटी के लिए भी। तो इतनी सारी बीमारियों में ये काम आता है। और दूसरा, ये एंटी एजिंग भी है, जैसे आपने आजकल मार्केट में क्रीम वगैरह देखी है कि एंटी एजिंग क्रीम आ रही हैं, ये उनसे अच्छा एंटी एजिंग का काम करता है। इसका जो जूस निकालने के बाद जो बच जाते हैं ना पत्ते से, उनको अगर आप यूज़ करेंगे तो वो एंटी एजिंग का काम करते हैं, और इस तरह से ये बहुत इफेक्टिव रहता है। तो इसका प्रोसेस बता देता हूँ मैं, अब कैसे बनाना पड़ता है इसका जूस। आप ये देख रहे हैं, ये इस तरह से, ये मैं थोड़े से काट के लाया था, मैं कई बार यूज़ कर चुका हूँ। एक चीज़ और मैं पहले बता देता हूँ, इसको आप 3 बारी यूज़ कर सकते हैं काटने के बाद, एक बार काट लिया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, इस तरह से ये यूज़ किया जा सकता है। तो मैंने ये पहले उधर देखने, आप ये काट चुका हूँ मैं इसको एक बार, तो इस तरह से आप ले लीजिए ये। और लेने के बाद इसको आपने लगभग 40 से 50 ml के आसपास, ये जितना आप देख रहे हैं इतना ले लीजिए। इसमें 40 से 50 ml के आसपास आप पानी मिला लीजिए। पानी मिलाने के बाद आप या तो कुंडी से इसको कोट सकते हैं, या फिर आप इसको मिक्सी में भी चलाकर इसका जूस निकाल सकते हैं। मिक्सी में चलाकर जूस निकाल लीजिए, और फिर जूस निकालने के बाद उसको छलनी से छान लीजिए। छलनी से छानने के बाद जो आपका जूस है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपका ये टेक्सचर दिखेगा जूस का, ये आप देख सकते हैं। ये 40-50 ml जूस है, और ये इस तरह से आपको ये जूस दिखेगा। तो ये बिल्कुल रेडी है बनकर। अब इसको लेना कैसे है उसका तरीका मैं बता देता हूँ। इसको लेना बहुत ही आसान है, कोई इतना टिपिकल नहीं है, इसमें कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस सुबह खाली पेट 40 से 50 ml आपने इस तरह से जूस निकाल लेना है और खाली पेट सेवन कर लेना है। इस तरह से आप सेवन करके इसका लाभ ले सकते हैं, और बाकी जो जानकारी हैं वो सब जानते भी हैं, गूगल कर सकते हैं, आपको इसके बेनिफिट्स, हज़ारों बेनिफिट्स हैं वो आपको पता लग जाएंगे। बाकी इसकी जो सावधानी है वो ये होती है कि जैसे अभी ठंड का मौसम है और इसकी जो तासीर होती है वो थोड़ी ठंडी होती है, तो इसको ज़्यादा सेवन ना करें। और जिनको साइनस वगैरह की प्रॉब्लम है वो इसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, इसकी मात्रा को थोड़ा कम कर सकते हैं। बाकी इसका कोई अलग से कोई ऐसे नहीं, इसका कोई मतलब ये कोई ऐसा ज़्यादा नुकसान नहीं देती है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, बाकी मिलेंगे फिर कोई नई वीडियो में। आप तब कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ये जो मेरी जानकारी थी आपकी किसी काम आई तो मुझे अच्छा लगेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।